गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस स्पीकिंग पार्ट वन एंड द टॉपिक इज विंडो व्यू. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सीनरी कैन यू सी फ्रॉम द विंडो ऑफ योर रूम. आई लिव इन द फार्म हाउस एंड द मॉर्निंग व्यू इज वंडरफुल. आई कैन सी द राइजिंग सन फ्रॉम माय रूम विंडो एंड लिसन द बर्ड चिरपिंग दैट मोस्टली सिट ऑन द ट्री आउटसाइड माय विंडो. अगर आप शहर में रह रहे हो तो बोल सकते हो कि हम मैंने बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है, टॉल बिल्डिंग्स है, मेरी विंडो के बाहर वो दिखती है. अगर किसी समुद्र के किनारे रह रहे हो तो मेरे को ओशन या कोई लेक वो दिखती है. डू यू लाइक टू वॉच द सीनरी फ्रॉम योर विंडो? येस, आई लव टू वॉच सीनरी फ्रॉम माई विंडो आउटसाइड because I plant many flowers outside my room that look very beautiful in the morning time. I like to look out the window in the morning as well as the evening time. मेरे को बाहर देखना विंडो से पसंद है क्योंकि मैंने अपने बाहर रूम के बाहर वाली साइड पे बहुत सारे फ्लावर्स उगा रखे हैं जो मॉर्निंग टाइम में बहुत ज्यादा फ्रेश और अच्छे लगते हैं. मैं मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग टाइम में विंडो से बाहर देखता हूँ. Do you want to live in a house with a beautiful window view? As I said earlier, I live in a farmhouse. There is much greenery in the front and the back side of my home. Obviously, agar farmhouse mein rahe to bahut sari greenery hoti hai wahan pe. I planted rose plants in the front of my window that make a view more beautiful and I satisfied with that view because I feel relaxed when I see it. How do you feel when you cannot see any beautiful view from your window? I am a nature lover. Every morning starts when I see flowers, rising sun and listening to birds chirping from my room window. I feel very sad when I do not see this view. It happened last month. मैंने ये भी बताया कि ये कब हुआ था, जब मेरे को बहुत ज्यादा sad लगा था. When I went to my uncle's home for 5 days. He lives in city. Obviously, अगर सिटी में रह रहे हैं तो वहां पे कोई ग्रीनरी नहीं होगी आस पास घरों में, ना ही बर्ड्स ज्यादा होते वहां पे, ना ही ऊंची बिल्डिंग की वजह से हम उगता हुआ सूरज देख नहीं पाते वहां पे. सो तब मेरे को सैड फील होता है. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.